हाय गाइस, हाय लेयर। तो आज की वीडियो हमारे इस बारे में है कि अब मैं यूके स्टूडेंट वीज़ा के बारे में सारी चीज़ें बताऊंगा कि आपको कब वीज़ा अप्लाई करना चाहिए, आपका कैश आने के बाद क्या आपका प्रोसेस रहेगा, आप स्टूडेंट वीज़ा को ट्रैक कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। ऑल्दो इस बारे में मैंने अपनी वीडियो बनाई थी कि आप स्टूडेंट वीज़ा अगर आपने अप्लाई कर दिया, मतलब आपका बायोमेट्रिक डे आपका हो चुका है, उसके बाद आपको कितने दिन में वीज़ा मिलेगा, आप उसको ट्रैक कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, उसका लिंक आपको इधर मिल जाएगा, तो आप वो जाके देख सकते हो। ये उसका थोड़ा सा प्री वर्जन है कि आप उससे पहले आपको क्या क्या करना है, या अगर मतलब फ्लाइट टिकट्स की बात करूँ तो आपको फ्लाइट टिकट्स आपको पहले बुक कर लेनी चाहिए, वीज़ा अप्लाई के बाद करनी चाहिए, अपॉइंटमेंट के बाद करनी चाहिए, या एक्चुअल वीज़ा मिलने के बाद आपको कब टिकट मतलब फ्लाइट टिकट्स वगैरह बुक करनी चाहिए, तो सारे इन सारी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। तो अगर मैं स्टार्ट करूँ तो अगर मतलब आप लोगों को अपना जब भी आपका कैश आ जाएगा ना आपके पास, कैश और आपकी बैंक स्टेटमेंट अगर 28 डेज तक है, 28 डेज वाला स्टेटमेंट के लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, वो भी आपको मतलब या तो वो आ चुकी होगी या अभी आ जाएगी आपके पास, 1-2 दिन में आप देख सकते हो। तो अब ये दो मेन चीज़ें आपकी कि आपके पास कैश होना चाहिए अपना और अपनी बैंक स्टेटमेंट, और जो कैश में आपके डॉक्यूमेंट्स लिखे रहते हैं जैसे कि आपकी मार्कशीट वगैरह हो गई, या आपका आइल्स का स्कोर हो गया, या जो आपने इंग्लिश टेस्ट प्रूव करने के लिए आपने चाहे वो PTE दिया है चाहे वो आइल्स दिया है, वो सब ना आपके कैश में लिखा होगा कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, और कैश और बैंक स्टेटमेंट, और मतलब जो आपका एक आधा डॉक्यूमेंट आपका अगर एजेंट आपको सजेस्ट कर रहा है, मतलब देर इज नो हार्म कि आप कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट सबमिट कर रहे हो, क्योंकि आप को नहीं पता है, मतलब आपको कोई जानता नहीं है, क्योंकि ऐसा US की तरह इधर ना इंटरव्यू टाइप नहीं होता है, सिर्फ आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं, तो आपके डॉक्यूमेंट से आपको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इट्स बेटर कि आप जितने ज़्यादा डॉक्यूमेंट सबमिट कर पाओ वो कर दो, लेकिन मतलब ऐसा नहीं है कि फेक डॉक्यूमेंट सबमिट कर दो, कि मतलब जो चीज़ आप हो ही नहीं आप वो भी दिखा रहे हो, तो जितने भी जो भी आपके जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स हैं वो सब सबमिट कर दो आप अपने। और अगर मैं प्रोसेसिंग की बात करूं तो आपको ना जो UKVI ऑफिशियल साइट है उसका लिंक भी मैं आपको डाल दूंगा इधर डिस्क्रिप्शन में, उस वो बोलता है कि आपको 3 वीक्स लगेंगे, 21 डेज, तो ये 21 डेज रहते हैं आपके नॉर्मल डेज। और वैसे अगर आप जब आप एक्चुअल VFS ऑफिस वगैरह जाओगे तो आपको बोलेंगे कि 15 वर्किंग डेज, तो वो काइंड ऑफ सेम है कि 2-2 दिन एक्स्ट्रा हो जाते हैं वीक में, तो वो आपको जनरली एक टाइम फ्रेम देते हैं कि 3 वीक्स में आपको डिसीजन मिल जाएगा कि आपको कब आपका वीज़ा मिलेगा। मतलब कि अगर सपोज आपका आपने अप्लाई करा सपोज 1 अगस्त को, तो आपको 1 अगस्त के बाद आप 21 अगस्त तक आप अपना एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपका वीज़ा आ जाएगा, लेकिन 2-3 दिन एक्स्ट्रा लग जाते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा रहता है कि UK में कोई हॉलीडे है और वो हम इंडिया में काउंट नहीं करते हैं, जैसे कि स्प्रिंग बैंक हॉलीडे वगैरह हो गया, या कोई भी ऐसा फेस्टिवल जो जिसकी वजह से, या नॉर्मल बैंक हॉलीडे भी रहती है UK में, तो वो बैंक हॉलीडे की वजह से आपका वीज़ा थोड़ा सा डिले हो जाता है, क्योंकि वो एक्चुअल जो काम है वो आपका UKVI UK एम्बेसी कर रहा है, और उनकी हॉलीडेज कैलेंडर UK के हिसाब से चलता है, तो वहाँ से थोड़ा सा डिले हो जाता है, लेकिन आपको ऐसा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि आपका वीज़ा नहीं आ रहा है या कुछ भी ऐसा है, सब कहा आ जाता है UK में। मतलब मैं पहले भी ये बात मतलब जब भी मेरे को चांस मिलता है मैं बोल ही देता हूँ कि UK का वीज़ा आपको कभी ऐसा दिक्कत नहीं देता है, आराम से लग जाता है, सबका लग जाता है। ऑल्दो लोगों का परसेप्शन ये है कि कनाडा में बहुत इजीली वीज़ा मिलता है, ऐसा नहीं है, UK में भी बहुत इजीली वीज़ा आप सबको मिल जाता है, एज लॉन्ग एज आपके डॉक्यूमेंट सही हैं और आप बैंक स्टेटमेंट अच्छे से शो कर रहे हो। अब अगर बात करें हम कि आप कब अप्लाई कर सकते हो, तो लेटेस्ट आप मतलब 6 महीने पहले अप्लाई कर सकते हो अपना वीज़ा, कि आप कभी भी मतलब जैसे कि आपका कोर्स स्टार्ट हो रहा है सितंबर में, तो उसके 6 महीने पहले मार्च अप्रैल अप्रैल तक आप अपना वीज़ा वो कर सकते हो, लेकिन इतना ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप 1-2 महीना पहले भी अगर आप अपना वीज़ा अप्लाई करोगे, मतलब अगस्त में या जुलाई के लास्ट में भी अगर आप वीज़ा अप्लाई करोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, आप इजीली उसको कर सकते हो, आपकी कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा नहीं है कि आप लेट हो गए ऑलरेडी, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो आप अगर मतलब ऐसा टारगेट करो कि आप मिड जुलाई या जुलाई के लास्ट वीक से अगस्त तक आप अपना वीज़ा अप्लाई कर दो, ताकि आपके पास थोड़ा सा पूरा अच्छा टाइम होए, क्योंकि जनरली सितंबर की क्लासेस 1 वीक ऑफ सितंबर से स्टार्ट होती है, या ओरिएंटेशन सितंबर से स्टार्ट होता है, और उसके बाद 15-20 सितंबर के अराउंड आपकी क्लासेस स्टार्ट होती हैं, तो या 1-2 वीक आपका पहले ओरिएंटेशन वीक रहता है, तो इतनी कोई दिक्कत नहीं है आपको, आप आराम से आपके पास सफिशेंट टाइम रहता है, तो आप टारगेट करो कि आप मिड जुलाई के बाद या लास्ट वीक ऑफ जुलाई के आसपास आप अपना वीज़ा अप्लाई कर दो, या 1 अगस्त तक भी आप अपना वीज़ा अप्लाई कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है कि 21 डेज काउंट करोगे और आपके पास थोड़ा सा टाइम रहेगा अपनी फ्लाइट टिकट्स बुक करने के बाद भी। फ्लाइट टिकट्स की अगर मैं बात करूँ तो जनरली फ्लाइट टिकट्स के लिए ये एडवाइस रहता है कि आपको वीज़ा मिल जाए तो आपको ही टिकट्स बुक करनी चाहिए, लेकिन ऐसा रहता है कि लास्ट मोमेंट पे, और एक तो ये स्टूडेंट इनटेक रहता है तो एयरलाइंस वालों को भी पता है कि बच्चे बुक करेंगे ही करेंगे, तो वो फ्लाइट के प्राइस भी बढ़ा देते हैं। तो मैं अगर मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की बताऊं तो मैंने 1 महीने का बफर टाइम लेके अपनी टिकट्स बुक कर दी थी, कि मेरे को जैसे मैं यहाँ पे मैंने लैंड करा था 6 सितंबर को, जबकि मैंने वीज़ा अप्लाई कर दिया था अपना 1 महीना पहले, मतलब 1 महीने का मेरे पास पूरा टाइम था,
तो अगर आपके पास 1 महीने का पूरा टाइम है तो आप कर दो। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह में कोई दिक्कत नहीं है, आपका एजेंट वगैरह ही बता पाएगा, या अगर आपके पास कोई स्पेशल केस वगैरह है तो आप मेरे को नॉर्मली इंस्टा वगैरह पे या कमेंट्स में आप पूछ सकते हो कि ऐसी ऐसी दिक्कत है, तो मैं आपको एडवाइस कर दूंगा। लेकिन अगर आपका सब कुछ सही है तो आपके पास 1 महीना इज द मैक्सिमम पीरियड, आपको आपका वीजा मिल जाएगा। उसके बाद आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप उसमें नॉर्मली आप अपना अप्लाई कर दो वीजा, कोई दिक्कत नहीं होगी। और अपनी फ्लाइट टिकट्स भी 1 महीने के बाद की आप बुक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, इतने वीजा आराम से आ जाएगा। नो मैटर कि आप अपना मतलब इन पर्सन कलेक्शन वाला ले रहे हो या आप नॉर्मली ले रहे हो, मतलब जो ऑलरेडी मतलब बाय पोस्ट आता है आपके घर, तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, 1-2 दिन का डिले होता है। तो अगर आपके पास बिल्कुल कट टू कट टाइम है तो इन पर्सन वाला लो। इन पर्सन वाला ये है कि आप जैसे ही आपके पास नोटिफिकेशन आएगी आप जाके VFS ऑफिस से कलेक्ट कर सकते हो। पोस्ट में ऐसा रहता है कि कई लोग रिमोट एरियाज में रह रहे हैं या कई लोग जैसा कि जिनका एड्रेस सही नहीं है, तो वो थोड़ी सी दिक्कत देता है। तो अगर आपके पास टाइम है, एक्चुअल मतलब काफी टाइम है, आपने टाइमली अपना एप्लीकेशन लगा रखी है और आपने आराम से आपको वीजा के फ्लाइट टिकट्स का भी आपका गैप है, आपने पूरा एक महीना या 1 महीना 4-5 दिन का आपके पास टाइम है, तो आप आराम से इन पोस्ट ले लो कि आपको वापस वीजा ऑफिस ना जाना पड़े। और अगर आप दिल्ली वगैरह या जहाँ जहाँ वीजा ऑफिस है अगर आप उसी सिटी में रहते हो तो इन पर्सन वाला लो, ताकि आप आराम से जाके कलेक्ट कर सको, कोई दिक्कत ही ना हो कि आपका पासपोर्ट गुम गया है या मिसप्लेस हो गया है या कोई भी ऐसा सीन। इसके अलावा लोगों का ये भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन रहता है कि कितनी फीस लगती है, तो 37-38 के मतलब फीस रहती है, उसका एग्जैक्ट अभी मुझे नहीं पता है, वो उस पर भी डिपेंड करता है कि GBP to INR क्या रेट चल रहा है, तो आप वो भी आप जाके देख सकते हो। वो आप मैं जो लिंक डाला है मैंने डिस्क्रिप्शन में, आप वहीं से आपको पता चल जाएगा कि कितनी फीस है। वो थोड़ी सी मतलब इंक्रीज डिक्रीज होती रहती है और वो आपका एक्सचेंज रेट पे भी डिपेंड करता है, लेकिन अराउंड 35 to 40, 40 भी नहीं, 36-37 या 38 मैक्सिमम जाती है, 35 to 38,000 आप वहां जाके आप देख सकते हो और इतनी फीस लगती है। लेकिन उसके अलावा आपके पास आपका IHS लगता है। अब IHS हर एक बच्चे के लिए अलग अलग रहता है, वो आपके कोर्स की लेंथ पे आपके उस पर डिपेंड करता है, तो उसका भी लिंक मेरे यहीं डिस्क्रिप्शन में है, वहां पे भी जाके आप अपना IHS पहले ही चेक कर सकते हो कि आपको कितना IHS लगेगा। और अगर आपको चाहिए कि मैं इस पे आपके लिए स्पेशल वीडियो बनाऊं तो आप भी आप मेरे को कॉमेंट्स में बता सकते हो, मैं एक IHS पे स्पेशली ऐसा अपनी अपनी इन्फॉर्मेशन डाल के बता दूंगा कि ऐसा ऐसा आपको चेक करना है अपना। क्योंकि कई लोग एजेंट्स वगैरह करते हैं कि आपको मतलब जैसे कि आपको नॉर्मल जो आपकी एप्लीकेशन फी है ना उसके लिए पैसे नहीं लेंगे, लेकिन वीजा के लिए आपको बोल देंगे कि वीजा के लिए हमको थोड़े से पैसे लगेंगे एक्स्ट्रा, हम आपके लिए ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, तो वो टोटली फ्री रहता है। आपको अपने एजेंट को ना IHS के लिए ना वीजा फी के लिए किसी भी चीज के लिए आपको एक्स्ट्रा पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। जितना अमाउंट UKVI की वेबसाइट पे आ रहा है आपको वही पे करना है, और रेदर देन आप उनको ये बोलो कि आप हमको लिंक भेज दो, हम अपने आप ही पेमेंट कर देंगे अपने लिंक से, तो वो सबसे ज्यादा बेटर ऑप्शन है, ताकि आपको एक्स्ट्रा पे ना करना पड़े या आपका एजेंट आपके साथ स्कैम ना करे। और इसके अलावा जो सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल है कि हम कब, अगर मान लो हम सितंबर इनटेक आ रहे हैं और हमारा वीजा आ गया है तो हम कितना पहले आ सकते हैं। तो ये इसकी ना दो कंडीशन रहती है कि अगर आपका 6 महीने से ज्यादा का कोर्स है तो आप 1 महीना पहले आ सकते हो, और अगर आपका 6 महीने से कम का कोर्स है तो आप 1 हफ्ता पहले आ सकते हो। तो ये दो कंडीशन है। तो मेजोरिटी ऑफ पीपल जहाँ जो हम मास्टर्स डिग्री करने आ रहे हैं या जो इवन बैचलर्स के लिए भी आ रहे हैं, तो उनका वो हम इसी कैटेगरी में फॉलो करते हैं। जैसे कि जब भी आपका कोर्स डेट स्टार्ट हो रही है, सपोज आपका कोर्स स्टार्ट हो रहा है 10 सितंबर से सपोज, तो आप 10 अगस्त तक आ सकते हो, मतलब 10 अगस्त के बाद आप कभी भी आ सकते हो। तो 1 महीने का टाइम आप पहले आ सकते हो जो भी आपका कोर्स स्टार्ट डेट है। और वो कोर्स स्टार्ट डेट ऐसा नहीं है, अगर आपका इंडक्शन भी मान लो 10 सितंबर से और आपकी क्लासेस 30 सितंबर से हैं तो भी आप 10 अगस्त को ही आ सकते हो, उसमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ जब भी आपका चाहे वो इंडक्शन है, क्योंकि इंडक्शन भी आपका कोर्स स्टार्ट डेट में काउंट होता है, तो वो कोई आपको दिक्कत नहीं होगी, आप आराम से अपना आपके पास आ सकते हो 1 महीना पहले, ताकि आप थोड़ा सा यहाँ पे जगह को जान लो, आपको थोड़ी सी हेल्प मिल जाए, तो वो सारी चीज़ें आप आराम से कर सकते हो। तो यही आज की वीडियो थी इस बारे में, और अगर आपको कोई भी डाउट वगैरह है या आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मेरे को कॉमेंट करके बता सकते हो या इंस्टा पे मैसेज वगैरह कर सकते हो। तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। लव फ्रॉम लंडन, बॉय फ्रॉम इंडिया।